शायद मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो कहते हैं मैं रोज़े में हूँ और फिर कहते हैं मेरा रोज़ा इतना भी नहीं कमज़ोर कि गाना सुनने से टूट जाए, फिल्में देखने से टूट जाए, गाना गाने से टूट जाए। बेहयाई के अरे वाह मुसलमानों, अच्छे खासे तुम मुसलमान हो। माना कि बहुत आजिज़ी के साथ इबादत तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये सोचा है रमज़ान शरीफ क्यों आता है, क्या लेकर आता है और क्या दे कर जाता है? आप क्या कर रहे हो, अभी किधर हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद यहिया और मैं आज आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहूँगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उसका जवाब मुझे आपसे ही चाहिए। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, मुसलमान क्या हम मुसलमान हैं? अगर हैं तो बताएं कैसे। आपको क्या लगता है, हम मुसलमान होने के हक़ तो रखते हैं, दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? रमज़ान शरीफ चल रहा है, आज 26वां रोज़ा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपना रोज़ादार होने के हक़ पर ही हैं तो आप इस पर बता दें कि क्या हम वो सारी शराइत जो इस्लाम हमें कहता है क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? रोज़ा हम रख लेते हैं, नमाज़ हमने पढ़ ली, हमने रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली, उसके अलावा हमने कुरान और तस्बीह सारी मुकम्मल अदा कर ली, क्या उसके अलावा हम ऐसी कोई काम कर रहे हैं जो हमें मना किया गया फिर भी हम कर रहे हैं? अब देखें, हम गाने हम नहीं छोड़ रहे हैं, बाहर घूमना हम नहीं छोड़ रहे हैं, इबादत जो हमें कहा गया है हम उतनी इबादत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे अमाल कर रहे हैं जिसकी हमें मना किया गया है लेकिन उसके बावजूद हम वो ऐसे अमल कर रहे हैं। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, अभी 26वां रोज़ा हो गया है तो सारे ईद की तैयारियों की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन ये जो अशरा है ईद की तैयारियों का नहीं है, ईद के कपड़ों का नहीं है। हम नए कपड़े पहने, नया जूता होना चाहिए, हमारे रंग फेशियल, हमारे बाल डाई होने चाहिए, लेकिन क्या हम अपने अमाल के लिए जो असल चीज़ है, जो हमें आगे ज़िंदगी आर्जी है कुछ दिनों की है, हम ये 4 दिन खुशी में गुजार रहे हैं, क्या हम अपनी आखिरत को ठीक कर रहे हैं? ये अशरा हमें मिला है अपने गुनाहों को, अपने जो कब्र का अजाब है दोजख की आग से बचाने के लिए, ये अशरा हमें उन सब बुराइयों से पाक करने के लिए मिला कि हमने जो गुनाह के सर हमसे हुए हैं उनकी माफ़ियाँ मांग सकते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं यार हमने ईद का जोड़ा ले लिया लेकिन दर्जी के पास गए नहीं है, यार मैचिंग शूज़ नहीं लिए, यार हमने ये नहीं लिया है, बाज़ार चलते हैं, ठीक है रोज़ा हम नहीं रख रहे, बाज़ार जाते हैं, कितने बंदों का रोज़ा होता है? ईमानदारी से बताइएगा क्या आपका रोज़ा होता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2-3 साल हो गए हैं, मैं ईद की शॉपिंग नहीं करता। मेरे घर वाले अगर ले भी आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, मैंने पुराना जोड़ा पहनना है। क्या मैं पुराना जोड़ा अगर पहन लेता हूँ तो लोग मुझे मिलेंगे नहीं, मुझसे सलाम नहीं करेंगे, मुझे सलाम का जवाब नहीं देंगे, मुझसे ईद नहीं मिलेंगे, मुझसे ईद मिलन नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी इस महीने में नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा? अभी 4 से 5 दिन गुजरे हैं, 3 लैलतुल कदर की रातें आई हैं, क्या हमने वो लैलतुल कदर की रात को इबादत की? नहीं की। हमने 20 तरावियाँ पढ़ी या नहीं पढ़ी? हमने अल्लाह और उसके रसूल को याद किया? हम उस वक्त याद करते हैं जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, क्या हम उस वक्त याद नहीं करते जब हमें मुश्किल पेश ना हो, हम खुश हों, अपने अल्लाह की इबादत करें? नहीं करते हम। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, अभी भी झूठ हमारे मुंह पे है। हम किसी के पास जाते हैं वो चीज़ अच्छी ना लगे ना, बंदे को सलाम भी करना पसंद नहीं करते, क्या इस्लाम हमें चीज़ की इजाज़त देता है? मैं आप सबसे बस इतनी इल्तिजा करता हूँ, अगर रमज़ान करीम हमें मेहमानों की तरह मिलता है तो हम इसकी कदर करें, हम कदर नहीं कर रहे। हम ये देखते हैं हो रोज़ा लग रहा है, नमाज या नहीं पढ़ी जा रही, कोई बात नहीं यार हम थक गए सो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है।
रमज़ान शरीफ हमें 1000 साल की इबादत एक तरफ और रमज़ान शरीफ की इबादत जो है, मैं आप सब से बस इतना ही इल्तिजा करूँगा कि खुदारा खुदारा अपने आप को सही कर ले। हमारे अमाल इतने नहीं हैं कि हम जाके कह सकें कि हम जन्नती हैं, हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। खुदारा खुद को सही कर लें। मैं बस वीडियो बनाने का भी मकसद मेरा यही था कि हम अपने अमाल को इस कदर कर लें कि हमें अल्लाह के हुजूर ये ना कहना पड़े कि अल्लाह पाक अदल ना करें, एहसान ना करें, सिर्फ माफ़ करें। वो अदल करने वाला है, वो एहसान करने वाला है। कोई हम रमज़ान करीम की इबादतों में इस कदर डूब जाए कि हमें मौत भी आए तो हम उसे बोलें कि हमें आखिरी सजदा अदा कर लेने थे। तो अल्लाह पाक हमें, मुझे, आपको अपनी रहमत में रखे। रमज़ान करीब के जो हमारे रोज़े, हमारी जो नेकियां हैं, उन्हें कबूल फरमाए। और मेरी आपसे एक इल्तिजा हो रहा है कि खुदारा अपने बहन भाइयों के अलावा इर्द गिर्द सबको देखें। नेकी की तल कहना भी इबादत है। अगर आपकी वजह से कोई बंदा नेकी कर रहा है ना, तो उसका भी सवाब आपको भी मिलेगा। तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करें, अपने गुनाहों को इस कदर याद करें कि अल्लाह हमसे ये गुनाह सरज़द हो चुके हैं, जाने अनजाने में जो हमसे ये खताएं हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा। और हमें इस कदर अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी इजहार करें कि रब बोले जा कुन हो जाए, माफ़ कर दे खुदा। अल्लाह पाक से दुआ है, मैं और आपके जितने गुनाह हमसे जाने अनजाने में हो गए, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमाए। और जाते जाते मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, तैयारियाँ वो करें जिससे मेरा रब भी राज़ी हो। हम ईद की तैयारी करके ईद के लोगों को तो कह देंगे कि वो हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या हम दिल अंदर से अपने अंदर की रूह से कह सकते हैं कि हमने यार ये सब नेकियां अगर की हैं वाकई वो अल्लाह के नज़दीक कबूल हुई हैं कि नहीं हुई, हमने वो जो सवाब की नीयत से हमने काम किया है, हम अंदर से बदले हैं कि नहीं बदले, क्या हम रमज़ान इसलिए तो नहीं था आया कि ये दिखाने के लिए कि हर चीज़ शैतान नहीं करती। आपका नस भी अगर गंदा हो जाए ना, बुरा हो जाए, तो वो आपको नेकी से दूर रखता है। तो इस बात का शैतान को भी पता लगना चाहिए कि रमज़ान शरीफ आया है, रमज़ान करीम आया है, और हम रमज़ान के रंग में इस तरह ढल गए हैं कि हमें पता नहीं बुराइयां कैसी क्या हैं। शैतान तो क्या है, वो बड़गलाएगा, वो बार बार कहेगा आओ मेरी तरफ, लेकिन हम को अल्लाह की तरफ जाना है। हम हैयल सलाह हैयल फलाह की तरफ जाना है। हमको इर्द गिर्द दुनिया में नहीं फंसना, ये आर्जी है, दुनिया आर्जी तौर पे हम इधर हैं। तो हमें अपना ये एक ट्रेन है, एक कार है, इस कार में से हमने गुजरना है ना। हमें अच्छे तरीके से सुकून से बैठ के अल्लाह को याद करके तवक्कल अल्लाह करके गुजरना है। हम ये नहीं कह सकते हम बड़े ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। ये कब्रिस्तान है ना मेरे सामने, तो यहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा लोग ऊंचे वक़ार वाले होंगे जो लेटे हुए हैं। अल्लाह पाक सब की बख्शिश करे, सब की मफ़रत करे। लेकिन मेरा बात करने का मकसद यही था कि आप सबको बताना कि अल्लाह को याद करें। मुझ पे मौला का करम है, उनकी नातें पढ़ता हूँ। मुझ पे मौला का करम है, उनकी नातें सुनता हूँ। दामन अपना हर दम मैं रब की रहमत से मैं भरता हूँ। मसदके या रसूल अल्लाह, मसदके या हबीब अल्लाह, मैं कुर्बा या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बा या नबी बल्ला। गम नहीं छोड़ दे सारा
आजमाना जो मुझको गम नहीं छोड़ दे सारा आजमाना जो मुझको मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए गम नहीं छोड़ दे सारा आजमाना जो मुझको मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए मेरे बख्शिश पास अपने कुछ नहीं इसके सिवा मेरे बख्शिश पास अपने कुछ नहीं इसके सिवा उम्र भर नाते सुनेंगे और सुनाते जाएंगे इतना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं इतना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं मुझ में तो ऐसी बात नहीं पलक लुलाब कमाल ही कशफत तो जाम जमाल हसनत जमीर हुसाल सल्लू अलैहि दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं मौला करम करते मौला करम करते अपने हबीब के सदके हम पे करम करते गुनाहों में डूबे हुए हैं हमें अपने अमालों का पता नहीं कि तूने दाएं में देने कि बाएं हाथ में देने अल्लाह पाक दाएं हाथ में दे अल्लाह पाक अपने पक्षे वाले लोगों में शामिल करते हम इस कदर बुराई में डूब चुके हैं इस कदर अंधेरों में आ गए अल्लाह पाक हमें अंधेरों से निकाल हमें रोशनी की तरफ उस रास्ते पर चला जिस पे तू और तेरा हबीब राजी हो जाए अल्लाह पाक हम पे करम फरमा दे अल्लाह पाक हम इतने गुनाहगार सयाकार अल्लाह पाक हमें तो इतना भी नहीं पता कि हम इतने गुनाह किए हमें तो उस नेकी का नहीं पता कि हमने आखिरी नेकी कब की हो अल्लाह पाक तो सब के दिलों को जानता है अल्लाह पाक हम पे करम फरमा अल्लाह पाक हम पे करम फरमा अल्लाह पाक ये महीना मेहमानों की तरह आया और गुजर गया इस महीने में हमने बहुत से गुनाह किए उन गुनाहों को माफ़ फरमा नेकियाँ किए नेकियों को कबूल फरमा अल्लाह पाक जिस जिस की दिल आजारी हमसे हुई उन्हें भी माफ़ फरमा दे अल्लाह पाक हम इस कदर डूब गए हैं इस कदर अपनी मैं में आ गए हैं हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं इस जहां में अल्लाह पाक हमें अपनी राह में अपने रास्ते में जिस रास्ते को तू पसंद करता है उस रास्ते में डाल दे अल्लाह पाक नमाज़ पढ़ने की तलकीन अता फरमा हमें हदायत दे नमाज पढ़ने की हदायत दे पांच वक्त बाजमात पढ़ने की हदायत दे अल्लाह पाक तू ही देने वाला है तू ही करने वाला है तू ही कदूस है तू ही सतार है तू रहमान और रहीम है अल्लाह पाक तेरी एक नज़र से तेरे एक इशारे से दुनिया इधर की उधर हो जानी है तेरे ही करम से हमने बख्शना है अल्लाह पाक करम फरमा।